और अब बात करते हैं आज बीजेपी कार्यसमिति की, क्योंकि बीजेपी कार्यसमिति की बैठक की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी कार्यसमिति को लेकर आज अपने स्पेशल बुलेटिन में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचकर बड़ी बातें भी कही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें सबसे पहले आपको हम बताते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस बीमारी मासूमों को निगल जाती थी, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंसेफ्लाइटिस बीमारी मासूमों को निगल जाती थी, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें। एक तरफ बीजेपी कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत, दूसरी ओर ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वच्छता अभियान से कई बीमारियों को हराया भी जा रहा है, यानी कई बीमारियों से लड़ाई अब आसान हो गई है। 37 वर्षों के बाद यूपी में सरकार रिपीट हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही हैं और ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की बात भी कही गई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पहली बार विधान परिषद में पूर्ण बहुमत होने की बात कही गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर काबू पाया गया, दोनों सदनों में भाजपा को पूर्ण बहुमत है। ये सभी बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही हैं। प्रभारी कार्य योजना से 95% मौतों को रोके जाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि स्वच्छता से कई बीमारियों पर हम लड़ाई जो है वो जीत पा रहे हैं, जंग जीत पा रहे हैं, और स्वच्छता अभियान से कई बीमारियों को हमने हराया भी है। 47 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाया गया है। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है, यानी कई पुराने रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं टूटे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का इसके लिए अभिनंदन उन्होंने दिया है और योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। पहली बार विधान परिषद में पूर्ण बहुमत होने की बात कही है मुख्यमंत्री योगी ने। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में भाजपा को पूर्ण बहुमत है और ऐसा पहली बार है जब दोनों सदनों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस बीमारी मासूमों को निगल जाती थी, तो इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कार्यरत रही है, ये सबने देखा है। 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की बात भी अपने संबोधन के दौरान उनकी ओर से कही गई है। तो सीएम योगी की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी कार्यसमिति की एक तरफ बैठक की शुरुआत, तो वहीं दूसरी ओर ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामने आई हैं। कई अहम बातों को लेकर उन्होंने यहां पर कहा, कई सालों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा और आखिरकार 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता रिपीट हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। स्वच्छता अभियान पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से हम कई बीमारियों से जंग जीतने में हमें आसानी हो रही है। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों को भी गिनाया है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कामों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया वो आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी,
प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके इसमें ज्यादा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, कारों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके सामने है। प्राचीन कौशल के राज्य की धरा लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आत्मीय अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, 16 जुलाई 2021 को हम सभी जब 1 साल पूर्व मिले थे, तब विधानसभा चुनाव की आहट हमारे आंगन में गूंज रही थी। उस समय भाजपा के पंचायत चुनाव में शानदार विजय श्री का वर्णन किया था। आज हम सभी जब पुनः मिल रहे हैं, हम तमाम चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। इसी शानदार जीत के हकदार भाजपा संगठन के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके अथक परिश्रम से भाजपा को विजय श्री मिली है। अब हमारी नव निर्वाचित सरकार अपने नए बजट के साथ लोक कल्याण संकल्प को गीता की तरह पूज्य मानकर गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। हालांकि अब उन्हें इस पद से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में एक पद और एक नेता का जो फॉर्मूला है वो चलता है, और इसी के चलते अब यह कयास लगाया जा रहा है कि इस कार्य समिति की बैठक के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले, हमारे साथ में फिलहाल लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो यहां पर यह सवाल कि आज कार्य समिति की बैठक हो गई है, पहले तो यही कहा जा रहा था कि कार्य समिति की बैठक से पहले ही यानी शनिवार को शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। क्या लगता है अब क्या कार्य समिति की बैठक के बाद या इस दौरान ही ऐलान हो सकता है, कब तक नाम सामने आएगा? जी गरिमा, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल जब कार्य समिति का तारीख निर्धारित हो गया था, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त करना संभव नहीं था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की ही अध्यक्षता में कार्य समिति होती है। तो कल अगर किसी भी तरह घोषणा भी हो जाती तो नया प्रदेश अध्यक्ष कल का आज कार्य समिति में सम्मिलित नहीं हो पाता। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी फिलहाल हम जहाँ तक जानकारी मिल रही है 1-2 दिन रुक के होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का पहला सत्र समाप्त हुआ है। 4 चरणों में होने वाला यह कार्य समिति, जिसमें आपने देखा के न्यूज के दर्शकों ने देखा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन हुआ, दोनों डिप्टी सीएम का उद्बोधन हुआ, किस तरह उन लोगों ने अपना टारगेट लेके पहले से ही, अभी लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल के बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दी, पहली बात। दूसरी बात, जो अध्यक्ष के चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो कार्य समिति भारत
भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जातीय समीकरण 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की इसमें कोशिश की जाएगी। संभावना ये जताई जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी सूत्रों से खबर मिल रही है, कि आज नहीं कल या परसों तक भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। क्योंकि पहला सत्र समाप्त हुआ है प्रदेश कार्य समिति का, दूसरा सत्र चालू हुआ है, अभी चार चरणों में चलने वाला यह सत्र शाम तक चलेगा। उसके बाद ही जो यहाँ निर्णय होगा, जो कार्य समिति में मंथन होगा, उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व उसके बाद यह निर्धारित करेगा, उस नाम पर मोहर लगाएगा जो सभी जातीय समीकरणों में फिट बैठेगा, 2024 का टारगेट जो है उसको साधने में कामयाब होगा। उसी नाम पर मुहर लगेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक दो दिन, आगामी एक दो दिनों में उसका घोषणा भी होगा। जी बिल्कुल, यानी आने वाले कुछ दिनों में ही जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। देखिए, अगर दिनेश जी हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से प्रदर्शन, फिर चाहे 2014 के चुनाव हो, 17, 19 या फिर 22, लगातार हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर अगर पार्टी के नजरिए से देखें तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब जब 24 का चुनाव मुहाने पर खड़ा हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर का जो पूरा फोकस है ना, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ता है, तो ऐसे में संगठन और मजबूत हो, इसके लिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आज मंथन भी है और बातचीत भी, बैठक के केंद्रीय मंत्रियों की होने वाली है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में। जी बिल्कुल गरिमा, सही कह रही हैं आप। देख ली, पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले कार्यकाल में देखिए, और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आया उसके बाद देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी शांत होकर नहीं बैठा, सत्ता की खुशी नहीं मनाने की कोशिश की, सत्ता भोगने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। आज जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कार्य समिति के उद्बोधन के दौरान उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य वाली पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही सेम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली ही बातें कही, और जितने भी नेता बोले, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या बृजेश पाठक हो या प्रदेश अध्यक्ष स्वयं हो या मुख्यमंत्री हो, सभी ने एक ही लाइन पर बातें बोली है। मुख्यमंत्री की एक बड़ी बात के न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही टारगेट दे दिया। अभी तक अमित शाह टारगेट देते थे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या फिर 2022 हो, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट पे आकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। उन्होंने बताया काशी अंगड़ाई ले रही है और 2024 का लक्ष्य 75 का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी अभी से ही केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं, उसका लाभ किसको नहीं मिल रहा है उसको देखें और घर घर जाके उन योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाएं, परिवारों को लाभ दिलाएं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आज कर समिति थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन देखें तो पूरी तरह से राजनैतिक थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है 2024 से, भारतीय लाइन जो खींची है उसी पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी चलेंगे और 2024 को लक्ष्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, यानी 24 की तैयारी में दिनेश जी साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, 24 की तैयारी तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को नया देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की भी राजनीति की दशा और दशा को कहीं ना कहीं तय करता है। कहते हैं कि बीजेपी में आपके सूत्र बड़े तगड़े हैं, तो इसलिए नजर बनाए रखिएगा कि किसके नाम पर मोहर जो है वो लगने वाली है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक, और इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले
गए। इसी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही है, जहां पर साफ तौर पर कहा कि दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है और साथ ही साथ वो फ्रंट फुट पर आकर 2024 की चुनाव की जीत की बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आए कि अब आपको सुनिश्चित करनी है उसकी जीत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, कहा कि स्वच्छता अभियान से हम कई बीमारियों से निपटने में हमें आसानी हो रही है और अब ये बीमारियां उत्तर प्रदेश में हावी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी कई बड़ी बातें होने की बात सामने आई है। हालांकि इस कार्य समिति की बैठक ये जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, हालांकि अभी वो मंत्री बन चुके हैं नई सरकार में, लेकिन अब तक ये कार्यभार उनके पास ही है, दोहरी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पार्टी में एक नेता एक पद का फॉर्मूला चलता है, इसलिए अब उन्हें इस कार्य से मुक्त किया जाएगा और नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। आम खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज हो रही है और इस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को